दोस्तों, जिस प्रकार AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और DRDO साथ मिलकर कर रहे हैं, वहीं तुर्की का TFX फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जिसका निर्माण तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री और BAE सिस्टम मिलकर कर रहे हैं। और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट साल 2025 तक अपनी पहले मॉडल की टेस्टिंग करने के बाद साल 2029 से 30 के बाद इनकी मास प्रोडक्शन के शुरू करने की योजना बना चुके हैं। कई मामलों में समान दिखने वाले ये दोनों ही जेट्स बेशक भविष्य में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही फिफ्थ जनरेशन तकनीक पर मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही इस फाइटर जेट्स के माध्यम से तुर्की और पाकिस्तान अपने पुराने हो रहे अमेरिकन F-16 मल्टी रोड जेट्स को रिप्लेस करने वाले हैं, और भारत भी MCA के माध्यम से अपनी रशियन सुपीरियर फाइटर को रिप्लेस करेगा। अब भविष्य में देखा जाएगा कि कौन सा जेट कितना बेहतर परफॉर्म कर पाता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इन दोनों ही एडवांस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी किए गए इनके कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस के आधार पर कंपोजिशन करने वाले हैं, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें और अपनी राय कमेंट पर लिखकर बताएं कि कौन सा एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में दोनों ही एयरक्राफ्ट की लंबाई और चौड़ाई से बात करें तो MCA की लंबाई जहां पर 17.6 मीटर है, तो TFX की लंबाई 14 मीटर है। MCA के विंग स्पैन की टोटल चौड़ाई 11.13 मीटर है। TFX की विंग स्पैन की चौड़ाई 21 मीटर है। MCA की हाइट 4.5 मीटर होगी, वहीं TFX की हाइट 6 मीटर तक होगी। इस प्रकार हम देखें कि MCA की लंबाई 2 TFX से ज्यादा है, लेकिन TFX की चौड़ाई और हाइट 1 से ज्यादा है। इसके बाद दोनों ही एयरक्राफ्ट की वजन देखें तो MCA का AMT यानी खाली वेट 12,000 किलोग्राम तक होगा, वहीं इसका ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम तक है, और MCA का मैक्सिमम वेट 25,000 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर पाएगा। वही TFX का MT ग्रॉस वेट इनके मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अभी ओपन नहीं किया गया है, लेकिन ये 27,215 किलोग्राम तक की मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर पाएगा। यहाँ पर TFX की टेक ऑफ वेट कैपेसिटी MCA से ज्यादा बताई जाती है। इसके बाद दोनों ही एयरक्राफ्ट इंडिजीनियस की बात करें तो MCA कैबिन में अमेरिकन GE पूर्व की ओर इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं MCA की जिसमें फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी भी होगी, इसमें फ्रेंच सैफ्रन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। TFX की शुरुआती वेरिएंट्स में अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक के TFX जनरल जीरो इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और खबरें हैं कि अब बाद में तुर्की ब्रिटिश रॉल्स रॉयल के साथ मिलकर 30X के लिए DC इंजन का निर्माण खुद करेगा। साथ ही कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन भी काम कर रहे हैं, जिसके आधार पर इन दोनों ही एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस देखें तो MCA की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक या करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जा रही है, तो वहीं TFX की मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है, यह 2470 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जाती है। MCA की कॉम्बैक्ट रेंज 1620 किलोमीटर तक होगी, वहीं TFX की मैक्सिमम कॉम्बैक्ट रेंज की बात करें तो 1100 किलोमीटर तक होगी। वहीं MCA की सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर तक है, वहीं TFX की सर्विस सीलिंग 17,000 मीटर तक होगी। परफॉर्मेंस के आधार पर MCA के फीचर TFX से ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। दोनों ही एयरक्राफ्ट से बेहतरीन तकनीक, स्टेल्थ और भी कई तरह के फीचर लोडेड हो गए, यानी हथियारों की तो MCA में 14 इंटरनल वेपन लोकेटिंग हार्ड पॉइंट होंगे, वहीं TFX में यह बताया नहीं गया है कि कितने हार्ड पॉइंट होंगे, इसकी जानकारी अभी ओपन नहीं की गई है। MCA की कई तरह की इंडियन और फॉरेन मिसाइल फायर कर सकता है, जिसमें अस्त्र NG जैसी एयर टू मिसाइल के अलावा ब्रह्मोस, ऐसे ही एरोडायनेमिक सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, और वहीं कई तरह के लेजर गाइडेड प्रिसेंजर गाइडेड मिसाइल के नाम भी शामिल हैं, MCA के माध्यम से दागे जा सकते हैं। वहीं TFX भी कई तरह की तुर्कीस फॉरेन एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल के अलावा अलग अलग प्रकार के मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, ये रहे इंडियन फ्यूचर स्टेल जेट MCA और तुर्कीस फ्यूचर स्टेल जेट TFX के बीच एक क्विक कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर है, अपनी राय कमेंट पर लिखकर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।